एनसीसी और उनका रूम यहाँ पर फायरिंग चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि टैंक चलाई जा रही है। तो हम आ गए हैं एनसीसी भवन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है एनसीसी की बिल्डिंग है। और यहाँ पर जितने भी स्कूल से आए हुए हैं जो कैडेट्स हैं वो कैंप के लिए आ चुके हैं। और ये आप जहाँ पर देख रहे हैं ये 4 नंबर गेट है। और यहाँ पर ये बाथरूम है यानी बॉयज़ टॉयलेट्स हैं। और ये तो आप देख ही सकते हैं ये क्या है। और यहाँ पर आपका खेलने का एरिया है और ये है गर्ल्स टॉयलेट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल के जो कैडेट्स हैं वो आ चुके हैं। और ये है स्कूल यानी मतलब एनसीसी भवन की बिल्डिंग है जहाँ पर आपको रहने के लिए दिया जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे जो स्कूल से एनसीसी कैडेट्स आ चुके हैं। और जैसा कि आप कितनी अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, और यहाँ पर तो पूरा एरिया है यानी ग्राउंड है जहाँ पर आपकी ड्रिल करवाई जाएगी। और ये प्लेग्राउंड जहाँ पर फुटबॉल, खो खो और बास्केटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल जैसे मैच आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। और आपको बहुत ही और यहाँ पर तो मैंने आपको बताया ये ड्रिल एरिया, यहाँ पे आपको ड्रिल करवाए जाएंगे। और ये है टेंट, ये टेंट लगाने का भी कंपटीशन होता है। आप वीडियो में जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे देख पाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी स्कूल के जो बच्चे हैं यानी स्कूल के जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो आ रहे हैं। और ये अब हम पहुँच गए हैं अपने एनसीसी रूम में, मतलब अपने रूम में जहाँ पर हमें रहने के लिए दिया गया था। वहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कितनी अच्छी तरीके से सजाए हैं। और आपको भी कुछ इसी तरीके से सजाना है अपने कमरे को। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिस्तर अच्छे से लगे हैं, यहाँ पर हमने अच्छे से डेकोरेशन कर रखे हैं, लाइट लाइट अच्छे से सजा रखे हैं, जूते को भी अच्छे से पोजीशन में रख दिया है। और देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से अपने बेड को यानी बिस्तर को बिछा रखा है। और यहाँ पर हमने बैनर भी लगवा रखे हैं। और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यार देखने में, कई सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देखें फ्लैग है, ये पंखे और ये तेरी, ये दरवाज़ा। और देखने में इतना बेहतरीन लग रहा है, जूते की पोजीशन जहाँ पर अपने बिस्तर बिछाए हैं हमने। और भी आप बस वीडियो को लाइक कर दी। और ये हमारा सबसे बेहतरीन जो हमने इतने अच्छे तरीके से सजाया है कि यहाँ पर जो कैरेट्स हैं वो अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं जैसा कि देख रहे हैं आप। इसके लिए तो आपको लाइक करना ही वीडियो होगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक जल्दी से कर दो। और आप भी कुछ इस तरीके से सजाना। ये देखो ये कितने मज़े से सो रहा है क्योंकि हमने इतनी अच्छे तरीके से डेकोरेशन की है रूम की कि क्या बताएं भाई साहब। और देख ले ये हमारा रूम है। आप भी इतनी अच्छे तरीके से सजा सकते हैं, बस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपका कुछ भी सवाल हो या कोई कन्फ्यूज़न हो एनसीसी से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आपको बस कमेंट बॉक्स में जो पूछना है। तो ये है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग यानी इसे शॉर्ट में ओटी कहते हैं। और ये कैडेट्स इतने मज़े से अपना ये जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है ये कर रहा है और इसको बहुत ही मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर ये पकड़ा जाता है, पहले मेरी बात कोई सुनो, जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है ये सिर्फ एसडी कैडेट के लिए ही अलाउड है, जो जेडी कैडेट्स हैं उनके लिए अलाउड नहीं है। और ये है जेडी कैडेट्स, अगर ये पकड़ा जाता है तो इसे रगड़ा दिया जाएगा। क्योंकि जो जेडी कैडेट्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जो एसडी कैडेट होते हैं वो बड़े होते हैं, इनलिए उनका अलाउड है लेकिन जेडी को अलाउड नहीं है, समझ गए। तो और यहाँ पर हम आए हैं फायरिंग करने के लिए, हम जा रहे हैं, ये 8वां 9वां दिन है, मतलब 7वां दिन है कैंप का। तो हम जा रहे हैं फायरिंग करने के लिए और हम पहुंच चुके हैं। मैं आपको जगह का नाम बता दूंगा कि ये ढोलकुआ है, लेकिन हम अंदर की जो फायरिंग जो होती है मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये हमारी जो खुफिया हैं बातें ये किसी को जानी नहीं चाहिए। और ये है जहाँ पर एनसीसी का कैंप यानी कई सारे कैंप लगते हैं, जो कई सारे ये दिल्ली कैंट में है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये है टैंक यानी पहले का तोप जिसको कहते थे। और ये है फौजी
और ये है जो बाउंड्री यानी घेरा हुआ है चारों तरफ से, ये पूरा जंगल ही है एक तरह से। आपको देखने में ये बिल्कुल मज़ा आएगा। आप यहाँ पर जाएंगे फायरिंग करने के लिए तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप एक बार कैंप करना ज़रूर, कम से कम किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए कम से कम उसको एक कैंप या दो कैंप करना। और यहाँ पर हो रही है फायरिंग, आप जो साउंड है यानी जो भी हो आपको क्लियर आ रही होगी। आप बताइए ये कौन से राइफल चलाई गई है, तगड़ा तगड़ा बहुत मिलेगा साउंड आ रही है। नई आवाज है, ये वही है जहाँ पर हम फायरिंग करने के लिए गए थे। और ये अलाउड नहीं है आपको वीडियो बनाना, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो बना लेते हैं, उन्हीं से हमने लेकर दिया है आपको। और यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पर आपको फायरिंग करवाई जाएगी। जहाँ पर आपको टायर दिख रहे हैं पहिए, ये देख सकते हैं फायरिंग पोजीशन, यानी सब फायरिंग कर रहे हैं। आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा और जब चलाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको कुछ भी पूछना है हो कुछ भी पूछना हो तो आप बस कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। क्योंकि कई सारे जो कैडेट्स होते हैं वो ज़रूर पूछते हैं और मैं उनको रिप्लाई देता हूँ यानी आंसर देता हूँ। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये है आपको टैंक, आपको टैंक चलाने के लिए मिल सकता है अगर आप जाते हैं। देख सकते हैं कितने मज़े काट रहे हैं लोग।